घाघरा पुलिस की पांव तब फूलने लगी जब पुलिस को सूचना मिला कि बारूद से भरा ट्रक घाघरा और देवाकी के बीच से गायब हो गया है। सूचना के तुरंत बाद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए बड़ी मशक्कत के बाद गायब बारूद से लदा ट्रक को बरामद कर थाना ले गई। वहीं दोनों चालक साहिल शाह और सह चालक असलम शाह रांची निवासी को भी पूछताछ के लिए थाना लाया गया। दरअसल मामला तब गर्मा गई जब दो युवकों को देवाकी खपरा टोली पेट्रोल पंप के पास सड़क के किनारे अचेत अवस्था में लेटा हुआ ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीण दोनों अनजान युवक को देखकर दोनों से पूछा कि आप लोग कौन हैं। तब उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वह लोग ट्रक चलाते हैं और जिस ट्रक को चलाते हैं उस ट्रक में बारूद माइंस तक पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन दोनों ही युवक जब ग्रामीण से बात कर रहे थे तब उनके द्वारा कहा पूछा जा रहा था कि हमारा ट्रक कहाँ है, उसमें बारूद भरा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद थाना प्रभारी अभिनव कुमार घटना स्थल पहुंचे तो देखा कि दोनों युवक नशे की हालत में सोए हुए थे। दोनों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तब उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वह लोग डाल्टनगंज से कुंजाम माइंस में विस्फोटक लेकर जा रहे थे, जिसके बाद से रास्ते में ही उन लोगों के द्वारा नशा पान कर लिया गया था। आज सुबह हम लोग को सूचना मिली थी कि देवाकी पेट्रोल पंप के पास कोई दो अज्ञात व्यक्ति जो है वो नशे की हालत में पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, और जब ग्रामीण उनके पास गए तो वो लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इस संदर्भ में हम थाना में सनहा दर्ज करते हुए वहां पहुंचे और उन दोनों से पूछताछ किए तो पता चला कि दोनों रांची हरमू के रहने वाले हैं और दोनों गाड़ी चलाते हैं वैन, और वैन जो है वो पैरामाउंट एक्सप्लोसिव्स एक कंपनी है जो एक्सप्लोसिव सप्लाई करती है, उस कंपनी का वो वैन था और वैन से ये लोग एक्सप्लोसिव ले करके और मतलब जा रहे थे कुजाम इस, लेकिन वो लोग नशे की हालत में वहाँ सोए थे और उनको पता भी नहीं था गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। हम लोग खोजे बहुत तो 1.5 किलोमीटर आगे पुल के पास दिखा कि गाड़ी वहाँ पे मतलब खड़ी है, जो कि एकांत जगह है, और रात भर गाड़ी वहीं पे खड़ी रही है, जो कि दिखाता है कि कंपनी की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत को। हम लोग इस पे आगे रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।